हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर, मेरे साथ है मेरा भांजा प्रशांत। और दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हो आप सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, ये गुजराती में लिखा हुआ है। गुजराती पढ़ना किस किस को आता है कमेंट में बताएं। मैं इस समय गुजरात में हूँ, वैसे मैं हाथरस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अभी यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ और मैंने यहाँ पर एक नहर देखी। नहर को देख के मुझे बड़ा आकर्षक लगा, क्योंकि मेरे गांव के बगल में भी नहर है, लेकिन उस नहर में और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो, ये मेरे सामने जो दिखाई दे रही है, भांजा खड़ा है इधर, ये नहर है। ये यहाँ से लेके देखो काफ़ी दूर तक जाती है। मेरे यहाँ की नहर में और इस नहर में जो मुख्य फ़र्क है वो है इसकी दीवार का। हमारे यहाँ जो नहर या नदी नाले तालाब जो कुछ भी है कच्चे होते हैं, यहाँ पर पूरा इन्होंने पक्का बना रखा है। ये देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, इस नहर की जो पटरी है इन्होंने बिल्कुल पक्की बना रखी है, सीमेंटेड। ये देखो, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी बार बार सफाई नहीं करनी होती, और जब बरसात का पानी आता है, वाटर लेवल ऊपर बढ़ जाता है नहर का, तो उस समय इसके फूटने का डर नहीं है। बाकी यहाँ का एक और नया सिस्टम दिखाता हूँ मैं, अपने यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आइए आगे दोस्तों, मेरे पीछे ये देख सकते हो आप, दो पंप सेट दिखाई दे रहे होंगे, और अभी दो हैं, बाकी लोग यहाँ से हटा के ले गए हैं। यहाँ पर सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो नदी तालाब नहर, इनसे ही खेतों की सिंचाई की जाती है, क्योंकि यहाँ जो ज़मीन का पानी है वो खारा है, खारा पानी खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए यहाँ के किसान जो हैं, जहाँ भी नज़दीक में नहर तालाब नदी कुछ भी होता है, वहाँ पर पंप सेट लगा के वहाँ से अपने खेतों तक पानी पहुँचाते हैं। इसमें इनका बहुत खर्चा आता है और बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि यहाँ का जो पानी है, एक तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे है, और उसके बाद यहाँ का पानी जो है, खारा पानी फसल के लिए अच्छा नहीं होता है। और देखो शाम का समय है, बहुत सुहाना मौसम है। आइए आपको यहाँ की खेती के बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, पीछे हरे भरे पेड़ लगे हैं। आइए एक फार्म दिखाते हैं आपको। तो वीडियो में सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये किसी मकान या घर का गेट नहीं है, ये खेत, एक किसान के खेत का गेट है। यहाँ पर ज़्यादातर किसान अपने खेत के चारों ओर या तो बाउंड्री वाल बना देते हैं, या पोल लगा के कटीले जो तार होते हैं वो लगा देते हैं, एक जगह पर उसके निकास के लिए गेट लगा देते हैं, जिससे बाहरी पशुओं से भी रक्षा होती है और बाहरी कोई आदमी खेत के अंदर नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छा काम है। आइए दूसरा फार्म दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये दूसरा खेत है, पीछे इसमें जीरे की खेती है और इसका गेट ये है यहाँ पे। आगे चलिए, आगे और दिखाते हैं आपको। दोस्तों देख सकते हो, ये अगले खेत पर आए हैं हम, इसमें भी जीरे की खेती है। जीरा तो सभी लोग जानते हैं, जो हमारी सब्जी में, दाल में, रायते में तड़का लगाते हैं, जो जायके का स्वाद लाता है वो जीरा होता है। खेत में जीरे की फसल है। इसकी बाउंड्री के लिए ये देखो पत्थर लगा रखे हैं, और पत्थर के साथ ये पोल लगा के कटीले तार लगा रखे हैं। यहाँ से आगे आएंगे तो इन्होंने गेट लगा रखा है। यहाँ एक बहुत अच्छा सिस्टम लगाया है, मुझे सभी किसानों के खेत पर ऐसे गेट बना के रखते हैं, जिससे आवारा गाय भैंस या सांड खेत में नहीं घुस पाए। दोस्तों यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, अपने खेत के चारों ओर बैरिकेडिंग करके रखता है, कटीले तार पोल पत्थर बाउंड्री जो भी उससे व्यवस्था बनती है बना के अपने खेत पर आवारा पशुओं से रोकथाम के लिए ऐसे व्यवस्था कर देते हैं, जिससे वो निश्चिंत होकर के अपने घर आराम से सोते हैं, उनके खेत में कोई नुकसान नहीं होता है। ये देख सकते हो आप, पीछे जीरे की फसल है, तो काफ़ी दूर तक है ये। यहाँ की ज़मीन की अगर बात करें तो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इस यहाँ की ज़मीन में कम से कम 70-80% बालू बदरपुर है, 20% मिट्टी है, लेकिन किसान मेहनती बहुत हैं और टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसी ज़मीन में भी, और ये सोना उगाते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो फसल होती है, जीरा अनार कपास, यही जो महंगी फसलें हैं उन्हीं की खेती होती है। यहाँ दाल आपके गेहूं बाजरा ज्वार ये सब बहुत कम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये देख सकते हो, हम अगले खेत पर आए और इन्होंने इसका ये गेट है, इसमें भी जीरे की फसल है, और ये काफ़ी बड़ा खेत है, मुझे लगता है 10 बीघा से ज़्यादा का होगा, लेकिन किसान ने इसकी पूरे की बाउंड्री वाल करा रखी है। ये देखो, और साइड में ये पोल लगा के कटीले तार लगा रखे हैं, बीच में सड़क है और दूसरी साइड में दूसरा फार्म है। ये देखो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, अभी थोड़ा अंधेरा है, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको नारियल। ये नारियल के पौधे लगे हुए हैं, देखो यहाँ का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये देखो। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
और इसे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर हम आपको गुजरात के बारे में ऐसे ही एक से एक अच्छी जानकारी देते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।